इस बजट के अंदर जो है वो कई प्रावधान किए हैं, उसमें एक प्रावधान ये भी है कि अगर जो हमारा हर पंचायत है हिमाचल प्रदेश में, हर पंचायत में 10 किसान कम से कम ऐसे चिन्हित करेंगे जो जैविक खेती के लिए तैयार होगा, मतलब बिना रासायनिक खादों के और बिना जो पेस्टिसाइड है उसका यूज किए जो है अपनी फसल तैयार करेगा। और ऐसे किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने बजट में घोषणा की है कि जो बिना खाद के बिना पेस्टिसाइड के गेहूं तैयार होगी उनको, उस गेहूं को सरकार 40 रुपए किलो के हिसाब से खरीदेगी, मतलब 4000 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदेगी, जबकि मार्केट में रेट इस समय लगभग 2000 रुपए होगा। उसी तरीके से जो मक्की है उसको 3000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार खरीदेगी। तो ये किसानों को थोड़ा प्रोत्साहन देने के लिए सब कुछ किया है। दूसरा, जो पशुपालन का काम करते हैं इनसे दूध लेने के लिए भी, हालांकि ये समस्या हमारे इलाके में कम है लेकिन कई इलाकों में ज़्यादा है। जैसे अभी मिल्क फेड का जो रेट था, जो मिल्क फेड सरकारी संस्था है जो लोगों से दूध खरीदती है, उसका रेट था 31 रुपए जब हमारी सरकार बनी, इसको पीछे बढ़ाया और इसको 37 रुपए किया और अब जाके उसको बढ़ाकर जो है वो भैंस के दूध के लिए 55 रुपए कर दिया है, गाय के दूध के लिए 45 रुपए और भैंस के दूध के लिए 55 रुपए। इसका मकसद भी यही है कि हमारे किसानों को उसका लाभ मिले। और दूसरा जो है, जो हमारे जैसे ये आवारा पशु हैं इनसे फसलों की रक्षा करने के लिए भी जो है अब प्रावधान किया है कि जो कांटेदार तार है उसको लगाने के लिए भी जो है वो सरकारी खर्चे के ऊपर जो है बहुत सारे कम पैसा आपको देना पड़ेगा, बाकी सरकारी खर्चा जो होगा और उसके माध्यम से जो है बाड़बंदी की जाएगी। हालांकि मैं इसमें बड़ा